हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें कॉम्प्लेक्स को ट्रीट कर रहे हैं बीआरमाइनस से। बीआरमाइनस कर क्या रहा है, अमोनिया को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर ये गिवन कंपाउंड, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स है, अगर ये सिस फॉर्म में होगा तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर ये ट्रांसफॉर्म में होगा तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। रिमेंबर दिस, ये FOB2 टाइप का मॉलिक्यूल है और FOB2 मॉलिक्यूल के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म। तो कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पर ट्रांस आइसोमर होगा। ट्रांस आइसोमर क्यों, क्योंकि दोनों ब्रोमीन आपके ऑपोजिट एंड पर है। अगर दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट एंड पर होंगे तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं, या इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में अगर इन चार अमोनिया को देखें तो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये चारों अमोनिया इक्विवेलेंट है? क्या आप देख सकते हैं ये चारों अमोनिया इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है? और किसी भी अमोनिया को अगर आप बीआरमाइनस से प्लेस करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, आप अमोनिया हटाएंगे, बीआरमाइनस लाएंगे, और आप किसी भी अमोनिया को बीआरमाइनस से रिप्लेस कर दें, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलना है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको अल्टीमेटली एक ही कंपाउंड मिलने वाला है, एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मेरिडियनल आइसोमर। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेरिडियनल आइसोमर मिलेगा। तो अगर गिवन कंपाउंड ट्रांस है तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। सिस में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये सिस कंपाउंड होगा। सिस क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों ब्रोमीन है वो अगल बगल पोजिशन पर है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ऐसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे सिस आइसोमर या सिस कंपाउंड। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर सपोज इस अमोनिया को आप रिप्लेस करें, अगर इस अमोनिया को मैं रिप्लेस करके बीआरमाइनस लाऊं, तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस अमोनिया के बीआरमाइनस आ जाए तो हर बीआरमाइनस के अगेंस्ट अमोनिया हो जाएगा। भाई इसके अगेंस्ट अमोनिया तो है सही, इसके अगेंस्ट अमोनिया है सही, अगर यहाँ पे भी बीआरमाइनस आ जाए तो इस बीआरमाइनस के अगेंस्ट भी अमोनिया आ जाए, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। और अगर सपोज इस अमोनिया की जगह अगर बीआरमाइनस लाए तो आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीआरमाइनस के अगेंस्ट बीआरमाइनस आ जाएगा और ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर हमें बीआरमाइनस को लेकर आना है, अमोनिया को रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, इस अमोनिया को रिप्लेस कर रहे हैं बीआरमाइनस से। जब ये अमोनिया बीआरमाइनस से रिप्लेस होगा तो यहाँ पर हर बीआरमाइनस के अगेंस्ट अमोनिया जाएगा। ये जो आइसोमर होता है गाइस, इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा फेशियल आइसोमर। और अगर सपोज इस अमोनिया को बीआरमाइनस से रिप्लेस करें तो बीआरमाइनस के अगेंस्ट बीआरमाइनस, अमोनिया के अगेंस्ट अमोनिया, और अमोनिया के अगेंस्ट बीआरमाइनस मिलेगा। या अगेन आपका मेरिडियनल आइसोमर होगा, जिससे पहले हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि आपको दो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे अगर गिवन कंपाउंड आपका सिस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अगर एक बार सवाल देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर गिवन कंपाउंड सिस होगा तो आपको दो टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे, मतलब पहला ऑप्शन सही है। और अगर गिवन कंपाउंड आपका आइसोमर ट्रांस आइसोमर होगा तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो वन और थर्ड दोनों सही आंसर होने चाहिए। इसका मतलब बेसिकली करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक और पीवाईक्यू को अपन सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है COCl3.6H2, जिसका वॉल्यूम 100 ml है, मोलरिटी 0.1 है, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि 1.2 × 10²² आयंस का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका सही है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि पीपीटी होगा किसका। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये प्रोवाइड करेगा CMNS, और ये Ag+ के साथ कंबाइन करकर आपको AgCl का पीपीटी देगा, राइट? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने मिलीमोल आयंस पीपीटी होंगे। तो ये देखें, तो मिलीमोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट अगर निकाले, ये पीपीटी होगा इन फॉर्म ऑफ AgCl। तो आपको नंबर ऑफ आयंस गिवन है, 1.2 × 10²² एनएस अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोल्स, इनटू 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा मिलीमोल्स। तो अगर आप मिलीमोल्स काउंट करेंगे तो आपके 20 मिलीमोल्स, तो 20 मिलीमोल आयंस आपके पीपीटी हो रहे हैं। नाउ केयरफुल, बी केयरफुल, ये जो आपके 20 मिलीमोल आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसमें सिल्वर आयन भी इंक्लूड है और क्लोराइड आयन भी इंक्लूड है। तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों को मिलाकर 20 मिलीमोल आयंस पीपीटी हो रहे हैं। इसका मतलब अगर CL- की बात की जाए तो आपके मिलीमोल होंगे 10। तो मिलीमोल्स और CL- जो पीपीटी होगा वो 10 मिलीमोल होगा। पर अगर गिवन कंपाउंड की बात करें उसके मिलीमोल्स कितने थे, तो COCl3.6H2 उसके मिलीमोल्स की बात करें तो उसके मिलीमोल्स पे आपके 10 होंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 100 ml है, मोलरिटी 0.1 है। तो 10 मिलीमोल कंपाउंड आपको 10 मिलीमोल CMNS प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड विल प्रोवाइड 1 मोल CMNS। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ये कंपाउंड आपको 1 CMNS प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इन गिवन ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके एक मॉलिक्यूल से आपको एक ही CMNS मिलेगा, एंड हेंस ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।